सभागार में एसटीयू और एसजीपीयू की मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक सोमवार को पुलिस अधीक्षक अपराध सुधीर जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मासिक समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी पत्र किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कड़ाई से अनुपालन, सरकारी तंत्र द्वारा बच्चों को रेस्क्यू करते समय एकांतता व गोपनीयता बनाए रखने, मानव तस्करी को रोकने के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में सीडब्ल्यूसी के समक्ष 100% रिपोर्टिंग के लिए बाल कल्याण अधिकारी व उपस्थित मुंशीगढ़ को निर्देशित किया गया। बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और विवेचक के समक्ष आ रही समस्या व उसके निस्तारण के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में बाल अधिकार विशेषज्ञ प्रोफेसर ओंकार नाथ तिवारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वंदना सिंह, सदस्य जयप्रकाश आर्य, राजेंद्र सिंह, उषा विश्वकर्मा, उपकार पाल, अमिता श्रीवास्तव, पूर्ण बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर मुमताज खान सहित सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे। तो डिमांड कीजिएगा तो पुलिस मिलेगी, पुलिस स्कॉर्ट मिलता है। बच्चा है आपके यहाँ किसी सजायाफ्ता महिला का, और उस महिला का भी पत्र आएगा कि मैं अपनी सुरक्षा से अपनी बच्ची को देना चाहती हूँ। दूसरा है कि जेल मैनुअल है, मैडम जेल मैनुअल है कि आप 6 साल से इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध सुधीर जायसवाल ने बताया, मासिक बैठक थी, इसमें पॉक्सो जेजे एक्ट और महिलाओं बच्चों के कल्याण संबंधी या अन्य जो मुकदमे रखे जाते हैं वो उसमें डिस्कस होता है क्या समस्याएं आ रही। इसमें विभिन्न विभाग और इकाइयाँ हितबद्ध रहते हैं, उधर पर मीटिंग होती है और इसमें किया गया और जल्द ही इन लोग की वर्षा भी इसी समय कराई जाएगी। दिशा निर्देश दिए गए, जो भी इनके यहाँ महिला और बालकों संबंधी प्रकरण आ रहे हैं उसमें जो जेजे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, अन्य जो विधिक बंध है उनको भली भांति इसमें लागू किया जाए और सीडब्ल्यूसी और अन्य जो एनजीओ वगैरह उनमें सब भी समन्वय इसमें रहे।